सीरियस केस हुआ मेरी बिल्डिंग में एक्चुअली। तो क्या बोलोगे आप कि आप बाहर के हो, आप नहीं आके बैठ सकते? 5 मिनट निकाल देंगे। आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला, आपने सबकी चली गई, छठी बार गई है लाइट। यही खाट डाल के सो जाऊं। कौन चल रहा है, कौन हिल रहा है, डोल रहा है, कुछ पता नहीं। ये 6 टाइम लाइट गई है, 6 टाइम टाइम हो रहा। अरे साला घड़ी भी नहीं, टाइम क्या हो रहा है? घड़ी किधर है? आईपैड किधर है? घड़ी ये रहा घड़ी। टाइम देखो, 1 बज रहा है एंड 6th टाइम मेरी लाइट गई, 6th टाइम तब से लेके अब तक। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था सोने का, भी छोटा सा काम था वो निपटाया, ख़त्म किया एंड सोने का ट्राई कर रहा था एंड लाइट चली गई। एंड विंडो वगैरह खोल के सो नहीं सकते क्योंकि फिर मच्छर आ जाएंगे, सब खा जाएंगे भेंडी पूरा। कोशिश करते हैं, अगर नहीं लगा तो फ़ोन में चार्जिंग भी कम है, लाइट आती है। देखा है आपने टाइम कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है एंड 6th छठी बार लाइट चली गई, 6th बार। आते हैं आपको क्या तमाशा कर रही लाइट, आती है 2 मिनट पंखा घूमता फिर बंद, फिर आती है फिर बंद, फिर आती फिर बंद। तो गाइस अभी जस्ट लाइट आई है ना, देख लो पूरी बिल्डिंग की। अरे यार दिख रहा नहीं, पूरी बिल्डिंग का लाइट आ गया। जल्दी चालू करके दिखाता हूँ, देखो पूरी बिल्डिंग लाइट आ गई। अब देखना इसका तमाशा, बताता हूँ मैं। एटलीस्ट एक खोल दूँ यार, इतना तो खोल दूँ ताकि हवा तो आए थोड़ा सा। ये बंद कर देते हैं ताकि खाली हवा आ गया और मच्छर नहीं आएंगे। अब देखो आप इसका तमाशा फिर से, अभी आई ना, देखना अभी रुको। देखो सब जगह की अभी लाइट है ना, सब देखना, पंखा चालू है, वाईफाई चालू है, चलो वो अब देखना। रुको 2-5 मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ फिर से तमाशा इसका। टाइम देख लो, देख लिया अब जाएगी ना तब दिखाऊंगा टाइम, फिर से टाइम देखना कैसे जाती है। फिर से बंद करता हूँ, रखा तो चार्जिंग पे है फोन को थोड़ा टाइम, जाएगी तब फिर से शूट करके दिखाऊंगा आपको मेरे के लिए। दिमाग बड़ा, फोन ही नहीं चार्ज हो रहा हमारा। चलो इस फिर चली गई लाइट, देखो सर फिर से कितने बजे आई थी? 5 मिनट में चली गई, 5 मिनट में ऐसे सोएंगे? लगता है ऐसे ही सोना पड़ेगा बिना लाइट के आज। देखो फिर झटका मारा लाइट, झटके मार रही यार लाइट। बंद कर देता हूँ मैं, वाईफाई बंद कर देता हूँ और एसी बंद है, चार्जर बंद है, टीवी बंद है, फ्रिज भी बंद कर देता हूँ, फ्रिज भी बंद है। और कुछ है बंद करने के लिए? सुनिए सब सो रहे, कुछ तो नहीं है। टीवी तो बंद है, मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, मैं सोचा कि थोड़ा टाइम चार्ज हो जाएगा तो निकाल लूँगा, बट लाइट ही चली गई। बकवास है गाइस, मैं आपसे सुबह ही मिलता हूँ यार, मेरा पूरा मूड सड़ रहा है। मैं तुम्हें को नींद आ रही है और ऊपर से लाइट का ये मसला। ट्राई करता हूँ, नींद आएगी तो ठीक है, वैसे ही मच्छर लग रहे हैं। इसको खोल के सो सकते हैं गाइस, ये जो है ना विंडो पूरा खोल के सो सकते हैं। अगर मच्छर का प्रॉब्लम नहीं होता ना तो पूरा खोल के सो सकते थे हम, और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है उसको खोल के सोने में। अगर मच्छर नहीं होता ना, मैं पूरा खोल के विंडो तब सोता आराम से। बाहर है ठंडा पर पूरा ऐसा पैक हो जाता ना ऐसा, ये गेट बंद, ये बंद, ये बंद, सब बंद, तो गर्मी हो जाती थोड़ा। खैर कोई, देखो अभी
नहीं लाइट, अब तो खुशी भी नहीं हो रही लाइट की, लाइट आने की, क्योंकि पता है फिर 2 मिनट में चली जाएगी। अरे क्या कर रहा है भाई लाइट वाला, इलेक्ट्रिशियन अगर कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है, या तो आप बंद ही कर दो पूरी रात, या तो आप चालू कर दो, रात में चालू कर दो, मॉर्निंग में कर दो, जो भी झमेला तुमको करने का। मैं लगा नहीं रहा फ़ोन चार्ज में, फ़ोन यहाँ पे रख के सो रहा हूँ, और बड़ा किसी दिन साला इलेक्ट्रिसिटी जोर से आई तो फ़ोन भी गया मालूम पड़ा। और कोई फ़ोन वोन चार्जिंग में नहीं लगा, सब सुबह देखेंगे, अभी यहीं रख रहा हूँ फ़ोन, यहाँ पे रख के भाजी में रख के सो जा रहा हूँ। आपसे कल सुबह मिलते हैं चलो, और मैं बताऊँगा अभी रात में और क्या हुआ, पूरी रात तो शूट नहीं कर सकता, बट अगर कुछ हुआ तो बताऊँगा, नहीं तो फिर आपसे सुबह ही मिलूँगा, सुबह ही सारा डिस्कशन करेंगे। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जल्द कुछ उठ चुके हैं, एंड व्लॉग तो कल तो चालू नहीं किया, आज प्रॉपर इंट्रो देके चालू कर देता हूँ। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जस्ट उठे हैं, अभी माल वगैरह देने जा रहे हैं, एंड हमारी पुरानी वाली घड़ी यहाँ लग चुकी है, नई वाली घड़ी पता नहीं कहाँ पड़ी है, और कौन आ गया इतना सवेरे सवेरे पता नहीं, देखते हैं कौन आ गया। दूसरी घड़ी की तरह क्या पता, घड़ी नहीं, ये पड़ी है। कचरे वाले अंकल, मतलब कचरा कलेक्ट करने वाले अंकल, कचरे वाले तो हम हैं, तो वो चीज़ है कि अभी जाते हैं फटाफट से माल लेके आते हैं, देन उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं। ओके सो गाइस, माल वगैरह डिलीवर करके आ गए हैं, चाय नाश्ता वगैरह भी हो गया है, एंड हमारा खाने पीने का जो सामान है स्टॉक भर के महीने का आ गया है, तो कोई मसला नहीं है उस चीज़ का। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक नया ट्रैक्टर जो हमारे बिल्डिंग में आया है, भैं कर रहा है। मैं ज्योति को पूछा ये क्या है नया भैया, ये ब्लॉग में कितनी दिक्कत देगा ये चीज़, भैं कर रहा है। तो ज्योति बोली कि पेड़ काट रहे हैं यहाँ पे, मतलब पेड़ काट रहे हैं इन द सेंस जो पेड़ की बड़ी बड़ी डालियाँ होती ना ऐसे निकली हुई बार बार, तो उसको कटिंग कर रहे हैं, मतलब उसको शेप दे रहे, तो वहाँ पे दे रहे, मैं दिखाता हूँ, कट गया लगता है, देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर रहेगा तो दिखा दूँगा, अगर नहीं रहेगा तो क्या दिखाएंगे आपको फिर, तो दिखाता हूँ अगर रहेगा तो। अभी तो नहीं आ रही आवाज़, अभी तो चल रहा था ढें करके, कैमरा चालू किया तो बंद। ओके सो गाइस, उधर कट रहा है पेड़, आपको दिख रहा रहेगा, पेड़ नीचे गिरा हुआ है, रस्सी बंधी हुई ऊपर तक, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये ग्रीन कलर की रस्सी दिख रही है आपको, एकदम पतली सी यहाँ से आ रही है नीचे तक, ऊपर से यहाँ से कट रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा डाली है ना उसकी, मतलब एक्स्ट्रा निकल जाते हैं ना कभी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा, कभी यहाँ वहाँ, तो उसको नॉर्मली ट्रिम कर रहे हैं, पेड़ नहीं काट रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं खाली, कि ये पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक बार तो ये पेड़ गिरा भी था, ये पेड़ एक्चुअली जामुन का है, तो यहाँ पे जब जामुन आएंगे ना तो आपको दिखाएंगे जामुन भी, एंड जामुन तोड़ेंगे एंड मस्त खाएंगे, आपको दिखाएंगे जामुन का, एक बार पूरा गिरा था ना जब पेड़, तो पूरे जामुन ही जामुन नीचे, अरे ऐसे लूट रहे थे ना लोग, उस टाइम पे मैं नहीं था, उस टाइम पे मैं काम पे गया था थोड़ा सा, तो उस टाइम पे मैं था नहीं तो मुझे पता नहीं, बाद में जब मैं आया जब तो कच्चे सब, मतलब सब कच्चे और खट्टे थे, सब अच्छे सब लेके थे, ले के मस्त जामुन आते भाई। यहाँ पे भी एक जामुन का पेड़ है और इसके पीछे भी एक जामुन का पेड़, आपको दिखाऊंगा, कैरी का भी पेड़ है, तो कैरी भी तोड़ के दिखाएंगे, एंड कैरी का भी एक ब्लॉग बनाएंगे प्रॉपर, अभी तो लगी नहीं है कैरी वेरी जामुन वामुन कुछ भी, तो जब लगेगी जब आपको दिखाएंगे ये क्या है सिस्टम और क्या नहीं। चलो अभी अपना काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं, मिलते हैं फिर आगे आपसे, क्या है स्केड्यूल, क्या चलता है, क्या सिनेरियो है आगे आगे का बताते रहेंगे आपको। पूरा गार्डन बागीचा बन गया है वहां, तो देखो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ दिखाने का, यहाँ से, अरे यहाँ से भी नहीं दिख रहा, तो दिख रहा हो तो क्या पता, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है वहाँ से काट रहा है पूरा नीचे। ओके सो गाइस, अभी आधा काम खत्म हो गया है, एडिटिंग वगैरह का आधा काम छोड़ दिया है मैंने, अभी मैं भूख लगी थी तो खाना खा रहे, तो खाना वाना खाते हैं, देन उसके बाद अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं, जो भी हमने टाइटल वगैरह एडिटिंग वगैरह जो है वो नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे, आधा काम हो गया है, आधा काम बचा है, हो जाएगा देन उसको बताएंगे फिर बताएंगे आगे का सिस्टम क्या है। ओके सो गाइस, अभी वीडियो लाइव हुई है, मैंने अपलोड कर दी थी, अभी ऑनलाइन हुई वीडियो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, तो आपको कल का वीडियो देखना ही चाहिए डूड, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं ऐसा कभी रिकमेंड नहीं करता अपना वीडियो, बट कल का वीडियो देखना ही चाहिए डूड, मतलब
मैं खुद देखा अपना वीडियो, मैंने ही एडिट किया, मैंने ही शूट किया, बट मैंने खुद देखा, मेरे को इतनी हंसी आई डूड, मैं क्या बताऊं। मेरा ये पीछे वाला माथा, ये वाला खोपड़ी और ये अभी तक दुख रहा है, ये दर्द कर रहा है, इतना हंसी आया मेरे को इतना। और दक्ष तो एक चीज को तीन तीन बार रिपीट करके देख रहा है, क्योंकि वो वाले टाइम पे ये नहीं था ना यहाँ पे, जब बिल्डिंग में जो सीन हुआ था उस टाइम पे ये नहीं था, तो इसने देखा, अरे बाप रे क्या बताऊं। तो मैं रिकमेंड करूंगा गाइस, एंड स्क्रीन में आपको ये मिल जाएगा वीडियो का, वीडियो मिल जाएगा। कल का वीडियो देखो गाइस, कल का वीडियो बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग वही देख रहे थे, दक्ष और मैं वही देख रहे थे। तो बस मैं इतना बोलूंगा कि 5 out of 5 रेटिंग है उसकी मेरे तरफ से, और तेरी तरफ से 10 out of 10। नो, स्पीचलेस है हमारे बंदे वीडियो देख के। तो वही है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग भी कल का वीडियो देखना, कल का वीडियो बहुत ज़्यादा फैब बना है, बहुत ज़्यादा, एंड मोस्ट फनीएस्ट ब्लॉग है वो मेरा, एंड उसका टाइटल भी यही है कि फनीएस्ट ब्लॉग, माय मोस्ट फनीएस्ट ब्लॉग। तो आप जाके देखना। तो अभी थोड़ा टाइम यहीं पर टहलते हैं, उसके बाद जाते हैं अपने अपने घर पर, एंड क्या है नाश्ता वगैरह करते हैं जो भी है। आप देखना कल का ब्लॉग, नहीं देखा ना, एंड स्क्रीन में डालता था, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा मैं, आप एंड स्क्रीन से उठा लेना वीडियो, आप देख सकते हो, चेक आप कर लेना। ओके सो गाइस, अभी एक इंसिडेंट हुआ, मत कर, क्या कर रहे सीरियस केस हुआ मेरी बिल्डिंग में। एक्चुअली हुआ यूँ कि हम लोग ऐसा चलते चलते बात कर रहे थे, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर से बात करते हुए बाहर यहाँ पे आ गए, अपन यहाँ से बिल्डिंग में बात कर रहे थे, एंड बिल्डिंग से बात करते हुए हम लोग बाहर आ गए। देन उसके बाद हुआ यूँ कि मतलब ऐसे ही मजाक मस्ती में, बहुत ज़्यादा कोई हम लोग वो हल्ला गुल्ला नहीं करते, ऐसे नॉर्मली ना मैं यहाँ से भागते हुए वहाँ गया, एंड ये लोग सारे बच्चे लोग मेरे को पकड़ने के लिए ऐसे मतलब अंदर आ गए वहाँ तक। तो वहाँ वॉचमैन आया भागते हुए वहाँ पे, एंड इनको पकड़ा, बच्चे लोगों को पकड़ा, देन बोलता है कि अरे यहाँ भागने का नहीं, ये ग्राउंड नहीं है, ऐसा वैसा तैसा। हालांकि कोई भी इतना स्पीड में नहीं भाग रहा था, नॉर्मल बच्चा कितना तेज़ भागता है उतना तेज़ी भाग रहे थे, एंड अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में अमूम बच्चे भागते ही हैं, भागते दौड़ते खेलते ही हैं साला, हमारे बिल्डिंग के बच्चे वो भी खेलते ही हैं, और ये सारे भी बच्चे ये लोग भी खेलते हैं। अच्छा, तो वो कुत्ता भी खेलता है? हाँ, कुत्ते भी हमारे यहाँ खेलते खुले एकदम, बिना पट्टे के। कल के आपने ब्लॉग में दिखा रहेगा, बिना पट्टे के घूमते कुत्ते भी हमारे यहाँ पे। तो वॉचमैन ने इसको पकड़ा, इसको रुद्र को, एंड इतना सुनाना चालू किया इसको, ऐसा ना वैसा ना तैसा ना ये ने ते ने वो। तो अब मैं क्या बोलूँ मेरे बिल्डिंग वालों को, अभी मैं क्या बताऊँ कि बिल्डिंग वाले कोई कुछ और बोलता है कि भैया आप खेल सकते हो, ऐसा वैसा, कोई बोलता है कि बाहर की बिल्डिंग वाले बच्चे अलाउड नहीं, एंड ये जो बच्चे हैं ना ये सारे, ये जो इसके दिखाते इसको, ये है और दक्ष खुद है जो कैमरा पकड़ रखा है दक्ष, तो ये लोग है ना, ये लोग जब बचपन में ना छोटे से थे ना, अभी तो हालांकि फिर भी बड़े हो गए ये लोग, जब ये लोग छोटे से थे ना इतने से, तब से खेल रहे भाई बिल्डिंग में ये लोग, एंड ये आए कल के वॉचमैन और बोलते हैं कि आप बिल्डिंग में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं आ सकते। इसको तो बोलता है कि कोई चोरी करेगा ना, कोई गाड़ी वाड़ी चुरा के लेके जाएगा तो तेरे ऊपर नाम आएगा, हम बोल देंगे इसने चुराया, और दक्ष को बोलता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चलती है, एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक वगैरह ठोक के चले जाएगा, तो क्या करोगे। अब बताओ इतना सा जो रोड है जिसमें बच्चे, दिखा इधर, जिसमें बच्चे नहीं भाग पा रहे हैं, उसमें गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा कैसे दिखेगा। तो मेरा जो मेन कंसर्न है बोलने का ये है कि जो हमारी बिल्डिंग है इतनी बावरी हो गई है, इतनी पागल हो गई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा मेरी बिल्डिंग का, इतना छिक गया हूँ ना अपनी बिल्डिंग से कि मेरे बिल्डिंग के जो है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान हो गया अपनी बिल्डिंग से, मैं क्या बोलूँ। बच्चे आ रहे हैं खेलने उसको मना कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं उसको मना कर रहे हैं, बच्चे साइकिल लेके आके खाली मेरे साथ पैदल वॉकिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपत्ति आ रही है। देखो है ना, मैं किसी को भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है बात करने के लिए इन लोग से, क्योंकि अगर मैं कॉन्वर्सेशन इन लोग से करने लगा ना तो इन लोग चिढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बोलता पॉइंट टू बहुत कड़वा बोलता हूँ, तो इस वजह से मैं इनसे बात नहीं करता हूँ, बाकी मैं इनको कुछ बोलता नहीं हूँ, वो बात अलग है। तो ये सीनारियो हुआ अभी हमारी बिल्डिंग में, एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस चीज़ से। ओके सो गाइस, अभी मैं घर पे आ गया हूँ, एंड डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, डिनर वगैरह एक्चुअली करके ही मैं नीचे गया था, तो अभी सीधा सोने का तैयारी हो रहा है। एंड आपने देखा जो नीचे हुआ, मतलब मैं शूट नहीं कर पाया वो चीज़ को, क्योंकि वो जो वॉचमैन है फिर वो और चिढ़ जाता है, एंड और बातें बनाता है, एंड अलग अलग चीज़ें फ्रेम करके बिल्डिंग वालों को बताता है। मेरे बिल्डिंग वाले में मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि अभी क्या बोलूँ, अभी मैं, मेरे बिल्डिंग वाले भी मेरा वीडियो देखते हैं, एंड वो फालतू का हेट देंगे या कुछ बोल देंगे, कोई एक पॉइंट निकाल देंगे, नया पॉइंट निकाल देंगे, आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला, आपने तैसा बोला, क्योंकि सच बात किसी को हजम नहीं होती, तो वो चीज़ है। अगर मैं सच बोल दूंगा सामने वाले को, मतलब बोलते ना कि सच बात किसी को भी हजम नहीं होती, कोई भी हो भले वो, तो वही सिस्टम है। अभी क्या सेंस बनता है इस चीज़ का कि बाहर का बच्चा आपके बिल्डिंग में आके खेल नहीं सकता, या बोलते हैं कि बाहर का, मतलब मैं एक रफली बता रहा हूँ, बोलते हैं कि बाहर का बच्चा आके यहाँ पे बैठ नहीं सकता, वहाँ पे जहाँ हम बैठते, बोलते हैं वहाँ पे आके बैठ नहीं सकता, आपके घर में नहीं आ सकता,
बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है ये वो। अरे भाई कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट या फाइव स्टार या बड़े बड़े ये हो गए ना, उसमें भी ये सब चीज़ चलता है कि बाहर के लौंडे आते हैं आके, मतलब बाहर के लौंडे इन द सेंस कि जो भी फ्रेंड है आपके फ्रेंड वगैरह आते हैं, सब हर किसी को अलाउड रहता है। ये हमारी ही बिल्डिंग पता नहीं कैसे सी VIP बन गई है जो बाहर के लड़के अलाउड नहीं होते। तो वही वाला थोड़ा सिस्टम है। अभी मैं क्या बताऊँ, तो बोलते हैं कि बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है, वहाँ पे आके बैठ नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं ते नहीं ऐसा ना वैसा ना तैसा। मतलब है ना मेरी बिल्डिंग का क्या है ना कि जो यहाँ के पुराने पुराने ना वो अपना एक अलग अलग नया नया रूल बना देते हैं एंड बोल देते कि ऐसा है वैसा तैसा। मुझे आप लोग ही कमेंट करके बताना कि किसी भी अपार्टमेंट में कोई भी बड़ा बिल्डिंग या कोई भी जैसे रुनवाल से या XYZ कोई भी बड़े बड़े अपार्टमेंट है कोई भी है वो, तो वहाँ पे अलाउड है कि ऐसा कि बाहर के बच्चे नहीं आएंगे या आपके फ्रेंड्स नहीं आ सकते या आपके कुछ ये नहीं आ सकते। अगर बताओ कल को अगर मेरे घर पे कोई मेहमान आ रहा है बच्चा, वो अगर जाके बाहर बैठता है मेरे साथ, तो क्या बोलोगे आप कि आप बाहर के हो आप नहीं आके बैठ सकते? तो क्या एकदम सेंसलेस रूल है ना। मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई भी बंदा कभी भी उठता है एंड कोई भी एक नया सा रूल बना लेता है। तो मैं इतना परेशान हूँ ना अपने, मैं तो खाली आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ कि मैं कितनी सारी चीज़ों से डील करता हूँ कि अपने बिल्डिंग में भी शूट करो तो भी प्रॉब्लम है, बाहर शूट करो तो भी प्रॉब्लम। मैं खाली एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ आप लोग से कि क्या क्या होता है मेरे लाइफ, मतलब मेरे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें चलती है जिस चीज़ से मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो ये एक बिल्डिंग भी है, हम मेरा एक जो है मेरा बिल्डिंग वो भी एक एक क्या बोलते हैं कि सर दर्द है। सीरियसली मैं यहाँ पे रहता हूँ, इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मुझे, बट रिस्पेक्ट उस चीज़ की करो जिसकी, अब फेक रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना किसी की। तो मैं भी नहीं कर सकता है फेक रिस्पेक्ट, ना मैं झूठ बोल सकता हूँ किसी को। तो जो है वो है सामने है, मैं जो हूँ मैं भी सामने हूँ, ये जो मेरे बिल्डिंग वाले हैं जो वो भी सामने हैं, गिने चुने लोग हैं जो अच्छे हैं जो समझदार हैं जो दिमाग से सोचते हैं, गिने चुने लोग उंगली पे गिन सकते हैं इतने लोग हैं, बाकी सब तो सर फिरे ही हैं। खैर कोई नहीं, अभी मैं जितना बात करते रहूँगा उस पर उतना ही मैं डीपली घुसते रहूँगा एंड उतना ही मैं बोलूँगा एंड मेरा बोलेला कड़वा लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत कड़वा लगता है मेरा बोलेला बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो किसको कब क्या लग जाएगा कुछ नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो मैं सोने ही जा रहा हूँ, कल सुबह उठना है काम है थोड़े से। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अभी तो बाकी अभी